BJP Ladakh President Phunsuk Stanzin today criticized and condemned the remarks of former Jammu and Kashmir Chief Minister and NC leader Umar Abdullah on grant of UT status to Ladakh. Addressing a press conference, Stanzin said, "Umar Abdullah have heard the sentiments of the people of Ladakh. People of Ladakh fought for 70 long years to get Union Territory status, but National Conference has problem with it." Stanzin said Umar's visit to Dras on the occasion of UT Foundation Day was a well-thought plan to spoil the UT Foundation Day celebration in Kargil. Sabko jule, namaskar adab. Aaj ab sab logon ko yahan bulane ka maksad kal jo यूटी फाउंडेशन डे पे जहां हम ले करगिल जंस्कर नुब्रा सब में जश्न का माहौल था, उसी दौरान उमर अब्दुल्ला जी जो एनसी और गुपकर के एक वारिस नेता थे, वो बाय रोड श्रीनगर से करगिल आया और द्रास में आकर के हमारे जो यूटी फाउंडेशन डे को में दखल करने की या उसको ठीक से मनाने नहीं देने की कोशिश की, तो उसको हमने पूरी लद्दाख वासियों से वासियों और भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिल्कुल ही कंडम करते हैं और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि गुपकर गैंग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 370 को रिस्टोर करने के लिए अपील कर रखा है, तो उससे हमें हुआ हमें जो यूटी मिला है वो फिर से जेएनके में मिलाने की जो साजिश चल रहा है हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हमने आज भारतीय जनता पार्टी स्टेट ऑफिस में सारे वर्करों को बुला करके एक इसके खिलाफ में हमने एहतजाज किया है, तो मेन मकसद हमारा यही था। हम इससे ये अपील करना चाहेंगे कि लद्दाख वासियों से ये जो गुपकार गैंग पे जिस तरीके से साजद करगिली ने बोला कि ये हमारे ऊपर थोपा गया एक यूटी है, तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके से सब लोगों को पता है कि ये लद्दाख के तकरीबन 70 साल के एक ख्वाब था जो पूरा हुआ है, तो उसको हम किसी भी हाल में इसको दोबारा आर्टिकल 370 को ला करके हम कश्मीर में शामिल नहीं होना चाहेंगे, ये हमारा मेन मकसद था। तो लद्दाख वासियों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिस तरीके से KDA के दो फेस ले में आकर के कुछ बात करता है और वहाँ जा कर के दूसरी बात गुपकर गैंग के साथ में मिल जाता है, इसलिए मैं IPEC से भी अपील करना चाहूँगा और लद्दाख वासियों से भी अपील करना चाहूँगा कि इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, ये मेरा कहना है। थैंक यू सब कुछ।